उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बता दें कि जहां सुबह पड़ने वाली धुंध की आवाजाही ने ट्रेनों की चाल बिगाड़ दी, तो वहीं घने कोहरे की वजह से उत्तराखंड की कई ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। ट्रेनों की आवाजाही को लेकर रेलवे स्टेशन के आर्किटेक्ट रविंद्र कुमार ने बताया कि कोहरे की वजह से लंबी दूरी वाली ट्रेन ज़्यादा प्रभावित हो रही है। कुछ ट्रेनें का शेड्यूल भी कोहरे की वजह से बदल गया है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि कई ट्रेनें तो 4 से 6 घंटे तक कोहरे की वजह से लेट हो रही हैं और इसकी वजह से रेल यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कोहरे की वजह से जो लंबी दूरी वाली गाड़ी है वो थोड़ा लेट हो रही है, जिसमें से आपकी कोटा से जो देहरादून के लिए आती है वो गाड़ी लेट कर रही है। आज जैसे 10:30 बजे आई, करीबन 3.5-4 घंटे, 4 घंटे करीब लेट आई है। उसके एक सूबेदारगंज से आती है गाड़ी, 4113 सूबेदारगंज से देहरादून, वो भी लगभग 2-3 दिन से 4 घंटे ही आ रही है। और बाकी जो गाड़ियां हैं लगभग राइट टाइम है, जो लंबी दूरी वाली गाड़ी है वो ज़्यादा लेट हो रही है। इसमें संभावना है कि कुछ गाड़ियां कोहरे की वजह से कैंसिल की जा सकती हैं। हाँ, कुछ गाड़ियां थी हुई भी हैं, जनता हमारी है, पर जनता 3 दिन चलती है हमारे आजकल, एक संडे, ट्यूसडे और शुक्रवार, फ्राइडे, रविवार, मंगलवार, शुक्रवार को ये डाउन में नहीं चला रहे हम। कोहरे की वजह से ज़्यादा लेट हो जाते हैं। ऐसे पंक्चुअलिटी मेंटेन करने के लिए हमें जो है इन हमारे आगे चलते ये नहीं चलाए। जैसे ये अयोध्या में एक